मंदिर का भंडारा का पूरा पहले ये सब नहीं बना हुआ था। तो कैसे हैं? तो अभी हम केदारनाथ से आ रहे थे तो अयोध्या का है, तो अभी लगभग 11 बज रहा था, सोचे कि अयोध्या को भी एक्सप्लोर कर दें। इससे पहले मेरा अयोध्या का वीडियो आ चुका था तो फिर सोचे कि फिर एक्सप्लोर कर दें कितना काम हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी काम हो चुका था तो काम कितना तेज हो रहा था। अंदर फोन अलाउ नहीं है, बाहर से ही कोशिश करेंगे दिखाने का तो सारा कुछ। तो अभी हम राम घाट पे हैं, ये है राम, यहाँ से स्नान करके जाएंगे राम घाट को, राम घाट से अयोध्या मंदिर को। तो पहले राम घाट में स्नान करते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लें। ये एक लक्ष्मण घाट और इधर राम घाट है। ये पार्क है जो कि राम नदी के ये सरयू नदी है जो कि यहाँ पे राम भगवान नहाया करते थे, और ये सामने है यहाँ पे वो लक्ष्मण घाट है उस साइड, तो वहाँ लक्ष्मण भगवान नहाया करते थे। तो यहाँ का ये घाट है और ये नदी भी है। तो पहले यहाँ से नहाते हैं और तब मंदिर को जाते हैं, तब मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं, तब मंदिर को देखने मिलेगा। तो पहले अब यहाँ से नहा के निकलते हैं और यहाँ पर बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि वो गंगा के उस पार नहीं, गंगा के बीच में है, वहाँ पे बोट से जाता है आदमी लोग घूमने के लिए, तो बोट का भी मज़ा ले सकते हैं। तो अभी हम सरयू नदी से नहा के निकल गए और यहाँ से सीधा अयोध्या मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ अपडेट देते हैं, फिर हमें साहेबगंज निकलना है। तो चलिए सीधा अयोध्या मंदिर में मिलते हैं। ये जो है यहाँ इधर रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है अभी अयोध्या में, तो इसी कारण चारों तरफ ये दुकान वगैरह जितना भी था वो टूट रहा है, तो कुछ ये हाल है अभी। तो पिछले बार आए थे, पिछले बार से बहुत ज्यादा वर्क प्रोग्रेस में है और बहुत तेज से वर्क भी हो रहा है, तो दिखाते हैं वर्क। पता ये निःशुल्क सेवा है ये सामान वगैरह रखने का, तो वो आगे था, तो अभी वर्क का भी रोड का भी वर्क बहुत तेज से चल रहा है। पिछले वाले वीडियो में तो ये सब रोड वगैरह काम नहीं हुआ था, तो अभी रोड लाइट का काम हो चुका है, पहले नाला का ही काम हो रहा था, तो काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो फिलहाल अभी पूजा करके बाहर आ गए, तो अंदर में बाहर का सामान अलाउ नहीं है, जैसे कि आप प्रसाद नहीं ले आ सकते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं ले आ सकते हैं, रिमोट टीवी नहीं ले आ सकते हैं, सिंपल की जाएगी। और बता दें कि यहाँ आपका 7 से 11 बजे तक खुला रहता है सुबह को, फिर 2:10 से लेकर 7 बजे शाम तक खुला रहता है, बीच में बंद रहता है 7 से 2:10 तक, ये सॉरी 11 से 2:10 तक बीच में बंद रहता है। तो बहुत लंबा लाइन था क्योंकि लेट हो गया था और हम 2:10 के बाद एंट्री हुआ था, तो गर्मी बहुत है अभी और धूप भी बहुत है, तो बहुत आदमी चिलचिला भी गए। तो यहाँ से सीधा वो भंडारा खाने चलते हैं, भूख भी लग गया है, सुबह नाश्ता करके निकले थे, तो भंडारा खा के फिर घर को निकलते हैं। और पूरा डिटेल में इससे पहले जो हम आए थे उस वीडियो में, अभी गर्मी बहुत है चलने का मन नहीं कर रहा है, तो उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख सकते हैं पूरा डिटेल में सारा। ये अयोध्या का जो राम मंदिर है, सीता मंदिर है, फिर जनक जी का द्वार है, फिर हनुमानगढ़ी है, वो सब सारा चीज़ को एक्सप्लोर किया है मैंने, तो वो देख सकते हैं। तो हम फिलहाल खाना खाने जाते हैं, तो फिर खाना खा के निकलते हैं हम यहाँ से। तो मंदिर के बाहर ही फ़ोन को रखा गया था, तो ये अमावा राम मंदिर है और ये कूपन दिया गया यहाँ पे राम मंदिर के द्वारा, पटना में जो हनुमान मंदिर है उसके द्वारा यहाँ पे भंडारा किया जाता है, तो यहाँ पे ये राम रसोई भंडारा है। तो यहाँ से चलते हैं खाना खाने के लिए, भंडारा जो भी है। अयोध्या का राम मंदिर का भंडारा का है पूरा, ये अयोध्या
तो अंदर से खाना खा के निकल गए, तो गर्मी बहुत था और अभी भी मतलब गर्मी था, तो खाना खा के निकल गए, गर्मी बहुत है और यहाँ से निकलते हैं सीधा क्योंकि सारा कुछ कवर नहीं कर पाए, खाना खा के निकले वहाँ से भूख लग गया था। तो यहाँ पे फ्री का भंडारा होता है जो कि पटना के महावीर राम मंदिर जो है पटना स्टेशन जंक्शन के पास वहाँ से ये चलता है, वहाँ के सौजन्य से ये चलता है। तो हम सीधा चलते हैं अब, तो हाँ पहले हम जो वीडियो था उसको लिंक में हम दे देंगे, उसमें पूरा डिटेल में है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, वीडियो को लाइक करते जाएँ। थैंक्स।